गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड आई होप यू ऑल हैव रेड व्हाट आई टॉट टिल यस्टरडे. सो टुडे वी विल रीड आवर नेक्स्ट फेस्टिवल विच इज़ प्रेजेंटेड बाय विवेकानंद हाउस. सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग. द हाउस कैप्टन नरेटेड ईद उल फितर. ईद उल फितर इज़ सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम्स एट द एंड ऑफ रमादान द नाइन्थ लूनर मंथ. रमादान इज़ अ मंथ लॉन्ग फास्टिंग व्हेन मुस्लिम्स ऑफर सलत रिसाइट कुरान follow good behavior and donate for the needy. Eid ul Fitr is a day of joy and thanksgiving. It is also a day of forgiving and forgetting ill feelings towards others. The family elders give Eidi presents or money to the youngsters as blessings. इस पैसेज में हमने पढ़ा ईद उल फितर के बारे में. ईद उल फितर, सबसे पहले मैं ईद बता दूँ आपको ईद क्या होती है. ईद जो है मुसलमानों का जो है फेस्टिवल है, मुस्लिम लोगों का, और जो है रमज़ान के रूप में वो इसे मनाते हैं. उनका जो कैलेंडर होता है वो लूनर मंथ के अकॉर्डिंग होता है, मून के अकॉर्डिंग. हाँ जी बेटा, जो मुसलमानों का जो कैलेंडर होता है वो लूनर मंथ के अकॉर्डिंग होता है. जैसे कि आपने देखा भी होगा सोलर सिस्टम में कि हम जो अर्थ की जो मूवमेंट है, सो सन के अकॉर्डिंग और मून के अकॉर्डिंग जो है उसे देखते हैं. तो इसमें जो है लूनर मंथ जो है इनका, ये मून के अकॉर्डिंग जो है अर्थ की मूवमेंट को देखते हैं और इसके अकॉर्डिंग इनका कैलेंडर होता है. और इनके कैलेंडर में वन ईयर में 354 डेज़ होते हैं. हमारे जैसे होते हैं 365 और 364, तो इनके 354 होते हैं. और इनके हर मंथ में जो है 28 और 29 डेज़ होते हैं. ठीक है, तो ये जो रमज़ान का महीना होता है, ये जो नाइन्थ मंथ होता है इनका, इसे ये रमज़ान के नाम से जानते हैं. इनके मंथ का नाम ही रमज़ान है. नाइन्थ मंथ का नाम जो है वो रमज़ान है कैलेंडर के अकॉर्डिंग. तो इस मंथ में जो है फुल मून से ही अपना जो है फास्ट स्टार्ट करते हैं और एंड में फुल मून के दिन ही जो उसे है अपना खोलते हैं. और ये वाला मंथ जो है इनका 29.5 डे का होता है. ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे. रमज़ान इज़ अ मंथ लॉन्ग फास्टिंग व्हेन मुस्लिम्स ऑफर सलात. रमज़ान के महीने में ये पूरा महीना जो है बहुत लंबा व्रत करते हैं, यानी कि पूरा दिन ये भूखे रहते हैं और शाम के समय कुछ खाते हैं और लास्ट वाले दिन जो है ये अपना बहुत सारा भोजन बनाकर फिर जो है अपना जो है व्रत को खोलते हैं. ठीक है, उस दिन ये क्या करते हैं, ईद उल फितर वाले दिन, लास्ट वाले दिन को ये ईद उल फितर के नाम से जानते हैं, ईद मनाते हैं. और उस दिन ये है जो एक खुले एरिया में जाके फुल मून के नीचे जो है अपना जो है व्रत खोलते हैं, वहाँ प्रे करते हैं, गॉड को सलत करते हैं अपनी, कुरान शरीफ जो इनका होली बुक है उसे पढ़ते हैं. और ये पूरा महीना ये नहीं है कि व्रत करते हैं, ये एक अच्छा बिहेवियर भी फॉलो करते हैं और नीडी पीपल्स को डोनेट करते हैं, दान करते हैं. ईद उल फितर इज़ अ डे ऑफ जॉय एंड थैंक्स गिविंग. ये जो दिन होता है इनका ईद वाला दिन, लास्ट डे जो होता है लूनर मंथ का, उस दिन जो इनका दिन होता है वो जॉय का होता है और थैंक्स गिविंग का. एक दूसरे को थैंक यू करते हैं ये. इट इज़ ऑल्सो ए डे ऑफ फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग. ये दिन इनका जो है माफ़ करने का और सभी बुराइयाँ ये दूसरों की भूल जाते हैं और माफ़ कर देते हैं एक दूसरे को. द फैमिली एल्डर्स, जो परिवार में बड़े होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, वो यंगस्टर्स को आशीर्वाद के रूप में ईदी देते हैं. ईदी मतलब गिफ्ट और मनी, या पैसे या गिफ्ट, ऐसा कुछ देते हैं अपने आशीर्वाद के रूप में. नाउ वी कम टू द, डू यू नो द लूनर कैलेंडर डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ मून अराउंड द अर्थ एंड द सोलर कैलेंडर डिपेंड्स ऑन द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. ठीक है, तो यहाँ भी आपको क्लियर है कि लूनर मंथ क्या होता है और लूनर कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है इस मंथ में, नाइन्थ मंथ में जो है रमज़ान के महीने में जो है ये अपना व्रत करते हैं. ठीक है, तो इसमें भी यही समझाया गया कि जो लूनर कैलेंडर होता है वो मून की मूवमेंट पे डिपेंड होता है जो अर्थ के इर्द गिर्द होती है, और जो सोलर कैलेंडर होता है वो अर्थ की मोशन पे डिपेंड होता है जो सन के अराउंड करती है. ठीक है, तो नेक्स्ट वी कम टू द चैप्टर एंड स्टार्ट आवर रीडिंग. अ स्टूडेंट ड्रेस्ड इन शरारा कमीज एंड दुपट्टा टोल्ड एवरीवन दैट द होली बुक ऑफ मुस्लिम्स द कुरान केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग दिस मंथ. प्रॉफेट मोहम्मद वाज चूजन बाय गॉड टू बी हिज मैसेंजर. उसके बाद एक स्टूडेंट है जो क्या है, शरारा कमीज़ और दुपट्टा पहनकर जो है आती है स्टेज पर और वो बताती है कि एवरीवन, हर एक पर्सन को वो बताती है कि उनकी जो मुसलमानों की जो होली बुक है, जो कुरान शरीफ है उनका, जो होली बुक है उनकी,
इस महीने में जो है अस्तित्व में आई थी, यानी इस दिन जो है सबको पता चला था कि उनकी जो होली बुक है वो है कुरान शरीफ, और जो उनके प्रॉफेट मोहम्मद यानी मोहम्मद पैगंबर हैं उनके, यानी जिनको वो अपना जो है गुरु मानते हैं, जिन्होंने जो है इसको इन्वेंट किया, इसको इसके फाउंडर हैं मुस्लिम धर्म के, या होली बुक है जो इनके उसके फाउंडर हैं, तो उन्हें जो है गॉड ने अपने जो है दूत के रूप में उस दिन से चुना। ठीक है, तो नेक्स्ट फेस्टिवल पे आते हैं हम। नेक्स्ट फेस्टिवल इज ओनम, विच वॉज प्रेजेंटेड बाय गांधी हाउस, और इसे लिखा गया है द कार्निवल ऑफ केरला। तो सबसे पहले हम कार्निवल के बारे में जानेंगे। कार्निवल क्या है? कार्निवल है एक पब्लिक फेस्टिवल जिसे वहाँ के सभी लोग मिलकर मनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया था कार्निवल ऑफ केरला। केरला के सभी लोग जो हैं पब्लिकली इसे मनाते हैं मिलजुल कर। ठीक है, तो आओ अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम। अ गर्ल ड्रेस्ड इन वाइट कॉटन साड़ी विद अ गोल्डन बॉर्डर नरेटेड ओनम इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। इट मार्क्स द होम कमिंग ऑफ द लेजेंडरी किंग महाबली। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ ऑफ चिंगम, द फर्स्ट मंथ ऑफ मलयालम कैलेंडर। ठीक है, उसके बाद एक छोटी सी स्टोरी है किंग महाबली की। पहले हम ऊपर वाली लाइन्स का जो है वो मीनिंग करते हैं। अ गर्ल ड्रेस्ड इन वाइट कॉटन साड़ी विद अ गोल्डन बॉर्डर। एक लड़की जो है वाइट कॉटन की साड़ी और जिसका बॉर्डर जो है वो गोल्डन कलर का है, वो पहनकर जो है आती है और बताती है ऑडियंस को ओनम इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। ओनम जो फेस्टिवल है वो केरला का जो है हार्वेस्ट फेस्टिवल है। हार्वेस्ट मतलब जब हमारी क्रॉप्स जो हैं पककर तैयार हो जाती हैं, उसकी कटाई होती है। तो जैसे यहाँ हमारे यहाँ वैसाखी का त्यौहार मनाते हैं, वैसे ही वहाँ ओनम मनाते हैं। इट मार्क्स द होम कमिंग ऑफ द लेजेंडरी किंग महाबली। लेजेंडरी होता है बेटा सुप्रसिद्ध, ठीक है, पौराणिक भी होता है सुप्रसिद्ध भी होता है। तो ये जो त्यौहार है ये उनके लिए भी मनाया जाता है जो उनके महाबली जिनका नाम है राजा का, उनके आने की खुशी में, घर आने की खुशी में भी जो है ये मनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ ऑफ चिंगम, और जो है इनका जो मंथ स्टार्ट होता है चिंगम जो है इनका मलयालम कैलेंडर है जिसका नाम चिंगम है, इस मंथ के स्टार्टिंग में जो है इसे मनाया जाता है। उसके बाद एक छोटी सी स्टोरी है किंग महाबली की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। किंग महाबली वाज अ डेमोन किंग ऑफ केरला। हिज रूल वाज अ पीरियड ऑफ गोल्डन एज। पीपल वर वेरी हैप्पी prosperous and lived in harmony. His rule came to an end when Lord Vishnu took the avatar of a Vamana and pushed King Mahabali deep into the earth to destroy his ego. Because of his love of people, the Lord granted King Mahabali a wish that he could visit his kingdom once a year. तो ये King Mahabali की जो है story है छोटी सी। हाँ जी बेटा, किंग महाबली जो थे, किंग महाबली वाज अ डेमोन किंग ऑफ केरला। राजा महाबली जो थे वो असुर राजा थे केरला के, असुर राजा। डेमोन का मतलब होता है असुर या राक्षस, ठीक है। हिज रूल वाज अ पीरियड ऑफ गोल्डन एज। जब उनका राज्य था तो वो एक ऐसा पीरियड था, एक सुनहरी युग था जब वो राज्य करते थे, उस राज करते थे। पीपल वर वेरी हैप्पी प्रॉस्परस एंड लिव्ड इन हारमनी। लोग जो थे उनके राज्य में बड़ी खुशी खुशी सुख समृद्धि और शांति के साथ रहते थे। हिज रूल केम टू एन एंड व्हेन लॉर्ड विष्णु टुक द अवतार ऑफ अ वामना एंड पुश्ड किंग महाबली डीप इनटू द अर्थ टू डिस्ट्रॉय हिज ईगो। तो यहाँ जो है मैं अपनी तरफ से आपको स्टोरी बताती हूँ डिटेल में। तो उनका राज्य तब ख़त्म हुआ जब भगवान विष्णु ने जो है वामन के रूप में अवतार लिया, ठीक है। तो ये भगवान विष्णु का पाँचवा अवतार था। इतने प्रसिद्ध हो गए थे ये, मतलब ये किंग महाबली इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि लोग जो है सभी भगवान जो हैं वो देवी देवता जो डर गए थे कि कभी ये पूरे जो है उस पर अपना जो है अधिकार न जमा लें। तो वो सभी लोग इकट्ठे होकर विष्णु भगवान जी के पास जाते हैं, और विष्णु जी क्या करते हैं, एक छोटे से बोने से ब्राह्मण का अवतार लेकर आते हैं जिसका नाम होता है वामन, ठीक है। इनकी ईगो को हर्ट करने के लिए, महाबली की ईगो को तोड़ने के लिए, इन्हें एक चक्रवर्ती राजा भी कहा जाता था, तो इनकी ईगो को तोड़ने के लिए वामन अवतार लेकर आते हैं। और उसके बाद इनसे आके जो है भिक्षा मांगते हैं। तो महाबली जो है कहते हैं भी आपको क्या चाहिए भिक्षा में, तो वो कहते हैं कि मुझे जो है 3 पीस ऑफ लैंड चाहिए,
यानी धरती के जो है 3 टुकड़े मुझे चाहिए। तो वो क्या, तो ये कहते हैं कि मैंने दे दिए। इतने दानी होते हैं ये, इतने जनरस होते हैं कि वो फटाफट से दान कर देते हैं। तो उसके बाद जो भगवान वामन जो हैं आते हैं, तो वो क्या करते हैं, फटाफट से अपना जो है पूरा कंप्लीट रूप ले लेते हैं, बहुत बड़ा सारा, और अपने एक पैर से पूरी धरती को कवर कर लेते हैं, पूरी पृथ्वी को, और एक पैर से पूरे स्काई को, आसमान को। और फिर इनसे कहते हैं कि अब मैं अपना तीसरा पैर कहाँ रखूँ, यानी एक स्टेप वो पूरी अर्थ को कवर करते हैं, एक स्टेप में वो पूरे स्काई को कवर करते हैं, और फिर उसके बाद कहते हैं कि मैं अपना थर्ड जो स्टेप है वो कहाँ रखूँ। तो जो राजा महाबली हैं वो कहते हैं कि आप जो है थर्ड स्टेप जो है वो मेरे हेड पर रख सकते हो, मेरे सिर पर रख सकते हो। तो उसके बाद जो है भगवान विष्णु जो हैं वो अपना जो है तीसरा पग, जो अपना तीसरा स्टेप है वो इनके सिर पर रखते हैं, और इन्हें ज़ोर से जो है अर्थ की तरफ जो है पुश करते हैं। तो ये क्या है, अर्थ में धंस जाते हैं पूरी तरह से इनकी ईगो को नष्ट करने के लिए। इसमें आप देख भी रहे हो, डिस्ट्रॉय हिज ईगो, इनकी ईगो को, इनके अहंकार को तोड़ने के लिए वो इनको जो है अर्थ में पुश कर देते हैं डीपली। परंतु लोगों के प्रति जो इनका प्यार था, ये उदार थे, बहुत ज़्यादा दानी थे, तो इस वजह से जो है भगवान विष्णु जो है इनको एक विश देते हैं, इनकी एक इच्छा पूरी करते हैं। तो इनकी ये इच्छा थी कि ये साल में एक बार जो है अपने राज्य में आएंगे, यानी कि केरला में, ठीक है, दैट ही कुड विजिट हिज किंगडम वंस अ ईयर। तो इस दिन को जो है जो केरला के लोग हैं ओनम के रूप में जो है सेलिब्रेट करते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी जो है समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम अपने लेसन की ओर चलते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग फ्रॉम द नेक्स्ट पैसेज। द हाइलाइट्स ऑफ ओनम आर पूकलाम। पूकलाम फ्लोरल रंगोली का नाम है जो फूलों से बनाई जाती है। न्यू क्लॉथ फॉर द फैमिली एंड द ग्रैंड फीस्ट कॉल्ड ओना साध्या, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ करीज। करी में ये सारी चीज़ें आती हैं, परिपू, सांबर, रसम, ठीक है। उसके बाद है कुट्टू, पापड़म, प्राधामन, पायसम, राइस, मैंगो पिकल एंड कोकोनट चटनी। द स्नेक बोट रेसिस एंड द फेमस कथकली डांस अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट टू केरला। तो इसकी जो हाइलाइट्स हैं इस त्यौहार के, जो मेन जो कार्य हैं वो हैं, फूलों की रंगोली बनाते हैं, फैमिली के लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, और एक बड़ा सा भोज रखते हैं। भोज मतलब सभी लोगों के लिए भोजन रखते हैं, जिसे हम ओना साध्या बोलते हैं। साध्या का मतलब होता है बेटा बड़ा सारा पत्ते के ऊपर जो है ये अपना भोजन जो है परोसते हैं। पत्ता, बड़ा सारा पत्ता किसका होता है, बनाना के ट्री का, है ना। तो बनाना के लीव्स के ऊपर ये जो है अपना जो है भोजन जो है परोसते हैं, और जिसमें बहुत सारी वैरायटी की करी होती है। करी में जैसे परिपू, सांबर, ये इनके नाम हैं डिशेस के, कुट्टू, पापड़म, ठीक है, ये सारे नाम हैं, मैंगो पिकल और कोकोनट चटनी तो आप भी जानते हो, राइस भी, बाकी सारे इनके डिशेस के नाम हैं। द स्नेक बोट रेस एंड द फेमस कथकली डांस, तो ये दो चीज़ें हैं, स्नेक बोट रेस और कथकली डांस इनका जो है केरला के जो है टूरिस्ट लोग हैं जो बाहर से आते हैं केरला में घूमने, उन लोगों को जो है अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद कम टू द, डू यू नो पुलिकली टाइगर डांस इज़ अ पॉपुलर फीचर ऑफ ओनम सेलिब्रेशन, वेयर हंड्रेड्स ऑफ मैन ड्रेस्ड एज टाइगर्स डांस टू द बीट ऑफ ड्रम्स। इट टेक्स 4 hours टू पेंट एंड डेकोरेट ईच पर्सन टू लुक लाइक अ लायन। द बेस्ट डांसर एंड डेकोरेटेड लायन मैन आर अवॉर्डेड प्राइजेस। तो यहाँ हमें बताया है कि यहाँ जो है इनका एक और पॉपुलर डांस है जो कि है इस फेस्टिवल की विशेषता है, ठीक है, जिसका नाम है पुलिकली, ठीक है। पुलिकली जो है एक टाइगर डांस है जो कि है ओनम फेस्टिवल का जो है फेमस डांस है, जहाँ पर बहुत सारे हंड्रेड ऑफ मैन, क्या है, सैकड़ों की संख्या में जो आदमी लोग हैं वो जो है ड्रेसअप होते हैं, किसकी, उसमें टाइगर की फॉर्म में ड्रेसअप होते हैं और ड्रम की बीट पर जो है डांस करते हैं, और उन्हें जो है सजने में, डेकोरेट होने में और पेंट करने में, लॉयन की उसमें लॉयन जैसा दिखने के लिए उन्हें जो है 4 घंटे लगते हैं, ठीक है। और जो बेस्ट डांसर होता है उनमें, और जो जो लॉयन की तरह पूरी तरीके से डेकोरेट होता है, उस आदमी को जो है प्राइज़ दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है प्राइज़ देकर, ठीक है। आई होप आपको जो है ये दोनों फेस्टिवल जो हैं अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और कल हम अपने जो है नेक्स्ट फेस्टिवल के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट हाउसेज के बारे में। थैंक यू।